आई गेस वी आर लाइव, वी आर लाइव, वी आर लाइव, वी आर लाइव। आप लोग बता दो अपन लाइव है क्या? ये यूट्यूब भैया आज बड़े पंगे कर रहे हैं भाई, देख लो देख लो, अपन लाइव है क्या? बता दो बता दो बता दो फटाफट से, अपन लाइव है क्या? ओके ओके, हेलो सर, आपके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लेक्चर बहुत बढ़िया है। मैंने आरटीपी एमटी के क्वेश्चंस भी हो रहे हैं सॉल्व, आज तक बहुत डर लगा था ये चैप्टर में। थैंक यू अंजलि, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, परफेक्ट। आई गेस वी आर लाइव, वी आर लाइव, वी आर लाइव, वी आर लाइव। आ जाओ सारे सारे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ गाइस। बोलोगे अमित भाई ये यूट्यूब को खोल के रखा है, अब भी देख लो, अभी के अभी जस्ट मैंने जो लास्ट लेक्चर था ना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, जो सिक्स्थ लेक्चर था, वो मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है। आप लोगों के लिए सिक्स लेक्चर भी मैंने आज के डेट पे अपलोड कर दिया है। तो मेरी साइड से सारे के सारे के सारे लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। डन 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 डन। चलो बताओ, मेरे साइड से सारे के सारे लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के। और आज एक्चुअली यूट्यूब ना थोड़ा स्लो जा रहा था, यूट्यूब में इश्यूज आ रहे थे, इसीलिए मुझे सेशन 9 बजे रखना पड़ा। और वैसे भी वैसे भी वैसे भी वैसे भी हमारा जो सेशन है वो बिल्कुल भी कभी भी कभी भी कभी भी आज ज्यादा लंबा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अपन बहुत ज्यादा छोटा टॉपिक पढ़ रहे हैं। डन डन डन। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ सारे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। थैंक यू भैया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा, किस किस ने अपना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग देखा है सर? आरटीपी नवंबर 22 क्वेश्चन 37 लेबर कॉस्ट, आपके मैट से करवा दो सम्स। ठीक है अमन, ये करवा दूंगा, डोंट वरी। पता है अमन, डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए तो मैंने आप लोगों को बोल रखा है मेरे को पिंग कर दो, मैं उन सब की सेपरेट वीडियो एक साथ डाल दिया करूंगा। चलो बता दो, डन है क्या? डन है डन है डन है डन है। अच्छा, कोई भी मुझसे सरप्राइज के बारे में नहीं पूछ रहा, कोई भी मुझसे सरप्राइज के बारे में नहीं पूछ रहा। सर बहुत अच्छा पढ़ाया है, मैंने भी किए लेक्चर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के। क्या बात है यार, अगर आप लोगों को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पसंद आई हो तो मेरे को जरा थोड़ा सा रिव्यू दो ना कि अमित भाई कैसे। जो तो सही, अमित भाई सरप्राइज क्या है मेरे से पूछो ना, अमित भाई सरप्राइज क्या है पूछो, पहले मेरे से पूछो अमित भाई सरप्राइज क्या है। आप लोग पहले मेरे से पूछो सरप्राइज क्या है, पूछो 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 पूछो, सरप्राइज क्या है, क्या है सरप्राइज? आरुषि ने पूछा, और कौन पूछेगा? और पूछो बाबा, कोई तो पूछो। अंजलि पूछ रही है क्या है सरप्राइज। चलो, दो लोगों ने पूछा, निहाल ने पूछा क्या है सरप्राइज। ठीक है, और देखते कौन पूछता है।
पूर्णा पूछ रही है क्या है सरप्राइज। चलो गाइस सरप्राइज, अमन पूछ रहा है सरप्राइज क्या है, विनायक पूछ रहा है सरप्राइज क्या है, बहुत बढ़िया गाइस। सरप्राइज कुछ ऐसा है कि प्रियंका ने भी पूछ लिया। चलो अब सुन लो गाइस, मैं इवैल्यूएट करके देने वाला हूं, मैं इवैल्यूएट करके देने वाला हूं आप लोगों की सर्टिफाइड कॉपीज को, आप लोगों की सर्टिफाइड कॉपीज को मैं इवैल्यूएट करके देने वाला हूं। मैं अभी क्या करने वाला हूं ना, अभी अपनी रंग पंचमी के इंदौर में और 31st की, 2 दिन की कंबाइंड छुट्टी आने वाली है। मैंने बोला भाई छुट्टियों में बैठे बैठे क्या करें, तो मैं 20 स्टूडेंट्स की आप लोगों में से कोई भी सर्टिफाइड कॉपीज मंगवाने वाला हूं। आप में से जो अपनी कॉपीज मेरे से चेक करवाना चाहते हो भेज दो, उन सब कॉपीज को मैं चेक करके एनालाइज करके यूट्यूब पे एक वीडियो डालूंगा कि बाबा इंस्टीट्यूट आंसर्स कैसे मांगता है, आपने कैसे लिखे हैं, नंबर कहाँ कटते हैं, नंबर कहाँ मिलते हैं, क्या लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, कितना लिखना चाहिए। तो जिस जिस को भी मैं फिर से अटक गया, लगता है इस बार ये यूट्यूब बहुत पंगे कर रहा है। ये यूट्यूब का बहुत इशू है बाबा। अच्छा अब बताओ मैं परफेक्ट हो गया, अब आ रही क्लियर, अब बताना अब क्लियर है क्या। गाइस एक बार बता दो अब क्लियर है क्या, अब क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, अब क्लियर है। चलो हाँ सर अब ठीक है, नाउ परफेक्ट। तो गाइस जैसा मैं आप लोगों से बोल रहा था, मैं 20 स्टूडेंट्स की आप लोगों से सर्टिफाइड कॉपी मंगवाने वाला हूं। आप लोगों की कॉस्ट FM की सर्टिफाइड कॉपीज मुझे चाहिए। जिस जिसको मुझसे कॉपीज चेक करवानी है आप लोग अपनी कॉपीज मुझे भेज सकते हो, मैं आप सब लोगों की कॉपी चेक करके सर्टिफाई जितनी भी है, जहां जहां आप लोगों की मिस्टेक्स है, जहां जहां ICI मार्क्स काटती है, जहां जहां नंबर मिलते हैं, जहां जहां जो गलतियां हो रखी है, वो सब चेक करके यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों को कम्युनिकेट करूंगा। तो बताओ डन क्या, ऐसा कर सकते हैं अपन, बताओ डन अपन ऐसा कर सकते हैं क्या, आप लोग मेरे को बताओ कैन वी डू दिस और नॉट। किस किस को अपनी कॉपी चेक करानी है एक बार कमेंट्स में मी डालो यार, किस किस को कॉपी अपनी चेक करानी है मी बोल के एक बार ये हाथ उठाओ, ये पता नहीं किसका हाथ है लेकिन हाथ उठाओ। ये ऐसे करके, हाँ ऐसे करके हाथ उठता है, हाँ किस किस को चेक करानी है हाथ उठाओ, जिस जिसको अपनी चेक कॉपीज चेक करानी है एक बारी कमेंट सेक्शन में हाथ उठाओ, बोलो हाँ अमित भाई चेक करवानी है कॉपीज। पर अब तो पोर्टल ही बंद नहीं हो गया क्या, अरे सर्टिफाइड कॉपीज मैं चेक करके दूंगा बाबा, मैं चेक करके दूंगा। जिस जिसने अपनी कॉपीज मंगवा ली थी, जिस जिसने RTI के थ्रू अपनी कॉपीज मंगवा ली थी, उनकी कॉपीज मैं चेक करके देने वाला हूं कि कहां कहां पे मिस्टेक्स हुई है, कहां कहां पे क्या। बताओ देखते हैं कौन कौन है, आरुषि तो हंस रही है, वर्षा है, निहाल है, और विनायक है, और कितने बड़ीज है गाइस, और विनायक भी है। चलो परफेक्ट, जिस जिसको अपनी कॉपी चेक करानी है ना और जिनके पास सर्टिफाइड कॉपीज हैं, संडे से पहले पहले आप लोग मुझे 7903479393 इस पे अपनी कॉपीज व्हाट्सएप कर दोगे, इस पे अपनी कॉपी व्हाट्सएप कर दोगे, इस पे आप लोग अपनी कॉपीज मेरे को व्हाट्सएप कर दोगे, डन। श्रेया, श्रेया भी आ गई, श्रेया को भी अपनी कॉपी चेक करानी चाहो तो मेरे को अभी भी तुरंत व्हाट्सएप कर सकते हो, मुझे इस नंबर पे आप लोग अपनी कॉपीज व्हाट्सएप करोगे, डन। मैं मैसेज भी आज बना के डाल दूंगा ग्रुप के अंदर, तो जिस जिसको कॉपीज चेक करानी है वो आराम से अपनी कॉपीज भेज दे। सर जिसने कॉपीज मंगाई नहीं थी, डोंट वरी, जिसने कॉपीज मंगाई नहीं थी कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब पे जिसमें बताऊंगा लोग कॉमन मिस्टेक्स कहां पे कर रहे हैं,
आईसीआई मार्क्स कहां पे देती है और कहां पे नंबर कटते हैं, परफेक्ट क्या बताओ। सर क्या बता रहे हैं, श्वेता क्या बात है, आप कल भी नहीं आए आज भी लेट आए, क्या बात है। वो ही सवाल पूछ रहे हैं कि पोर्टल बंद हो गया ना, हमने तो एग्जाम अभी दिया ही नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। हाँ तो बढ़िया ना प्रियंका, आपके लिए तो और बढ़िया है, आप तो देख लोगे क्या क्या मिस्टेक्स होती है, क्या क्या नहीं करनी है अपने को मिस्टेक्स। बताओ सर सरप्राइज क्या है, कोई श्वेता को सरप्राइज बता दो, कोई श्वेता को सरप्राइज बता दो। कोई श्वेता को सरप्राइज बताओ, उसके बाद अपन अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। देखो श्वेता सरप्राइज सिंपल सा है, मैंने बोला जिस जिस को अपनी सर्टिफाइड कॉपीज चेक करवानी है, भैया मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट है। अरे बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, जिस जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट उसके लिए तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। डियर स्टूडेंट्स ये आई भाई मेरे हाथ तो यहाँ ये, अच्छा हमारी टीम ने भेजा मैं वही बोलूँ यार, मेरे हाथ तो यहाँ भेज कौन रहा है, हमारी टीम सेंड कर रही है। डियर स्टूडेंट्स डू सेंड अस सर्टिफाइड कॉपीज राइट, इतना हाँ तो आप लोग अपनी कॉपीज भेज सकते हो, मैं कैसे दूंगा अब। अरे डोंट वरी, तो आप देख लेना ना, आपने कमेंट में ही टाइप कर दिया, आपने कमेंट में ही टाइप कर दिया। सर थोड़ा प्लीज हुए हैं कुछ, सर थोड़ा फंसे हुए हैं कुछ काम में इसलिए नहीं आ पा रहे। अच्छा चलो डन गाइस डन, अब बताओ क्या मैं अपनी क्लास स्टार्ट कर सकता हूं क्या, अब बताओ क्या मैं अपनी क्लास स्टार्ट कर सकता हूं। मैंने सरप्राइज रिवील कर दिया है, अगर मेरी टीम मुझे अभी देख पा रही है, अगर मेरी टीम अभी मुझे देख पा रही है, प्लीज मेरी टीम टेलीग्राम पे भी ये चीज अपलोड कर दो, टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दो, ये सेम मैसेज टेलीग्राम पे अपलोड कर दो, अगर मेरी टीम मुझे देख पा रही है तो। अगर मेरी टीम मुझे देख पा रही है तो जरा थम्स अप भेजो यार, और बता दो कब तक भेज सकते हैं। मैंने बोला आप लोग मेरे को ये कॉपी संडे तक भेज सकते हो, सैटरडे मैक्स, संडे को भी भेज सकते हो सैटरडे मैक्स, क्योंकि मैं सैटरडे को चेक करने वाला हूं। कॉपी कब तक भेज सकते हैं, सैटरडे सैटरडे सैटरडे, लेट्स स्टार्ट विद ट्रिक्स एंड एग्जांपल्स। चलो ओके ओके बडीज आ जाओ, अरे चल लो, ये मिट क्यों ना रहा भैया। खैर चलो आ जाओ मिलके, अब अपन स्टार्ट करते हैं। आ जाओ गाइस, एक बात सुनना, सर आज बजट में जीरो बेस्ड बजटिंग भी पढ़ाएंगे क्या। देखो जीरो बेस्ड बजटिंग ऐसा कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है बाबा, जीरो बेस्ड बजटिंग ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, जीरो बेस्ड बजटिंग कुछ भी नई चीज नहीं है। आप अभी मैं वो टॉपिक्स पढ़ाने जा रहा हूं, देखो बजटिंग एक अकेली ऐसी चीज है जो मैंने प्रैक्टिकली अपने लाइफ में भी करके देख रखी है अपने आर्टिकलशिप पीरियड में। और बजटिंग अगर मैं आपको बताऊं सिर्फ दो लाइन में खत्म होने वाली है, बजट्स दो लाइन में खत्म करने वाला हूं मैं, ध्यान से देखना। तीन तो डायग्राम बनाऊंगा और दो अपन लाइन में खत्म कर देंगे। चलो तीन तो मैं डायग्राम्स बनाऊंगा और दो लाइन में अपन इसको खत्म कर देंगे। चलो स्टार्ट करें। अब देखो ये मेरा तीसरा डायग्राम बनने जा रहा है, परफेक्ट आ जाओ गाइस मैं इनके नाम डाल दूं, एक का नाम है अपना भैया, ये है दूसरे भैया और ये है अपने तीसरे भैया। पहले वाले भैया का नाम है सेल्स, पहले वाले भैया का नाम है सेल्स, उसके बाद वाले भैया है उनका नाम है प्रोडक्शन, उसके वाले भैया का नाम है परचेज। बताओ कोई दिक्कत किसी को, भाई यहां तक जीरो बेस्ड बजटिंग थ्योरी में समझ ही नहीं आता इसलिए पूछा। हाँ मैं समझा दूंगा ना, थ्योरी तो मैं समझा दूंगा, डोंट वरी थ्योरी में समझा दूंगा। गाइस देखो मैंने जीरो बेस्ड बजटिंग एक्चुअली अपनी लाइफ में करके देख रखी है तो बहुत आसान है। चलो सुनो अब देखना गाइस, सबसे पहले बजटिंग बोलते किसको है, बजटिंग मतलब बजट बना के रखना। एक बात बताओ भैया,
आपके घर में बजट नहीं बनता क्या? क्या मम्मी राशन का बजट नहीं बनाती? सुनो जी, अपने को ना पता है 10 किलो गेहूं चाहिए, उसके बाद नमक का 1 पैकेट चाहिए, उसके बाद दाल चाहिए 5 किलो, चावल चाहिए 4 किलो। मम्मिया ऐसे बजट नहीं बनाती का, बहुत प्यारे तरीके से अपने को जो जो चाहिए होता है। हाँ मम्मिया बनाती है ना, परफेक्ट, ओके डन। अब मेरी बात सुनो, तो बजट्स क्या क्या होता है? मुझे जो भी आगे प्लान ऑफ एक्शन करना है, मुझे आगे जो भी प्लान ऑफ एक्शन करना है, मुझे आगे जो भी प्लान ऑफ एक्शन करना है, उसको अगर मैं क्वांटिफाई कर लूं, इफ आई क्वांटिफाई माई एक्शन, इफ आई क्वांटिफाई माई एक्शन, चलो बताता हूं। जैसे मान लो, अरे भैया मुझे बहुत सारा सामान बेचना है, क्या करना है? बहुत सारा सामान बेचना है। कितना? यही अगर मैं बोल दूं, भैया मुझे जनवरी में 1 लाख का सामान बेचना है, फरवरी में 2 लाख का सामान बेचना है, इसको बोल देंगे बजट। भैया मुझे बहुत सारे मार्क्स लेके आने हैं, मुझे बहुत सारे मार्क्स लेके आने हैं, मॉक टेस्ट पेपर में 80 लेके आना है, आरटीपी सॉल्व करूंगा तो 85, और एग्जाम में लेके आना है 90, इसको बोल देंगे बजट। भैया अगर तुम अपने आगे आने वाले एक्शंस को क्वांटिफाई कर दो, नंबर के टर्म्स में लिख दो, उसको बोलेंगे अपन बजट। बताओ कोई दिक्कत क्या? सर आप एक्टिंग में ट्राई कर सकते हो, यू आर गुड एट इट। अरे बाबा ऐसा मत करो यार, नेटवर्क ऐसा मत करो, एक मिनट रुक जाओ। मेरे को देखने दो बड़ी, मेरे को देखने दो। सेकंड, हेलो। हाँ इधर बाबा वाईफाई का अकाउंट नंबर गाइस गाइस गाइस, बताओ बताओ बताओ, सब कुछ परफेक्ट है क्या? सर बीच बीच में अटक जाते हैं। बताओ सब कुछ क्लियर है क्या? ऑल क्लियर सर, बीच बीच में अटक जाते हैं सर। पता है आज एक्चुअली YouTube पे ही बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं। हमारी और भी टीम है, हमारी फेवरेट रिद्धि मैम है। रिद्धि मैम भी अपनी क्लासेस जब लेने का ट्राई कर रही थी, अपनी IGT की क्लासेस, तब भी बहुत ज्यादा बफरिंग हो रही थी। YouTube के साइड से ही हो सकता है कोई इश्यूज हो। आप लोग बताओ परफेक्ट है क्या? हाँ सर अब तो सही है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलो अपन ट्राई करते हैं, आ जाओ गाइस वापस से आ जाओ। चलो मैं आप लोगों को वापस से बताता हूं। मैंने आपको बोला कि मम्मी अपने घर में बजट नहीं बनाती क्या? सुनो जी, अपने को 10 किलो आटा चाहिए, 5 किलो दाल चाहिए, 4 किलो चावल चाहिए, 1 पैकेट नमक चाहिए। जब भी मुझे जो चाहिए उसको अगर मैं नंबर्स के टर्म में लिख दूं, अगर मैं उसको क्वांटिफाई कर दूं, तो अपन उसको क्या बोला करेंगे? अपन उसको बोला करेंगे बजट। जैसे अगर मैं बोलूं कि सर 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 मुझे बहुत सारे बच्चों को पढ़ाना है, मैंने क्या बोला? अगर मुझे बहुत सारे बच्चों को पढ़ाना है, मैं बोलूं मुझे मई अटेम्प्ट में, एक सेकेंड ना गाइस, ये अपने पास नंबर आ गया, मैं इनको भेज दूं। चल हाँ, तो उसके बाद मान लो मैं बोलूं भैया मुझे मैं अटेम्प्ट के मान लो 20,000 बच्चों को, मैं ही वेट वेट कर रहा था।
क्या हो रहा है आज, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है आज? एक्चुअली यूट्यूब में इशू चल रहा है, यूट्यूब के साइड से ही पंगा आ रहा है आज, यूट्यूब के साइड से ही पंगा आ रहा है। ऐसा मत करो बाबा, ऐसा मत करो, अपनी बैच एक्सटेंड हो जाएगी, ऐसा मत करो। आज तो मैं पढ़ा के रहूंगा चाहे जो भी हो जाए, आज तो मैं पढ़ा के रहूंगा चाहे जो भी हो जाए, आज मैं पढ़ा के रहूंगा चाहे जो हो जाए, देखते हैं कब तक लैग करेगा। देखते कब तक लैग करेगा। चलो परफेक्ट 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 परफेक्ट, और अब सही है, अब सही है, अब सही है। तो मैंने आपको लास्ट लाइन वापस से यही बोली, मैंने बोला कि जब भी जब भी जब भी जब भी मैं अपने अपनी इच्छाओं को क्वांटिफाई करने का ट्राई करूं, जब भी मैं अपनी इच्छाओं को क्वांटिफाई करने का ट्राई करूं, उसको क्या बोलेंगे? अपन उसको बोला करेंगे बजट। कोई किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, यहां तक बताओ। सर हम भी पढ़ के रहेंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैंने क्या बोला? अगर जैसे मान लो मैं सोचूं, अगर मैं बोलूं मुझे बहुत बच्चों को पढ़ाना है, फिर मैं क्या बोलूं? भैया मुझे मई अटेम्प्ट के 10,000 बच्चे पढ़ाने हैं, मुझे नवंबर एग्जाम तक 50,000 बच्चों को पढ़ाना है, मुझे अगले 2 साल के अंदर अंदर 1 लाख से ऊपर बच्चों को पढ़ाना है, और अगले 5 सालों के अंदर 5 लाख से ऊपर बच्चों को पढ़ाना है। अगर मैं ऐसा टारगेट लेके चलूं तो इसको अपन क्या बोलेंगे? बजट। डन डन। मैंने आपको बोला 3 पिक्चर्स और 2 लाइन के अंदर बजट खत्म कर दूंगा। पिक्चर्स कौन कौन सी? भैया देखना ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है, ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आएगा। आपको पता है ये एक्चुअली मैं बता रहा हूं ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करेगी एक पक्का, क्योंकि मैंने तो बाबा इस फील्ड में काम कर रखा है ना अपनी आर्टिकलशिप में, तो मुझे इस चीज का प्रॉपर आइडिया है। ध्यान से सुनना, पता है होता क्या है? क्या सबसे पहले भैया सबसे पहले खर्चा देखोगे कि कमाई देखोगे? सबसे पहले कमाई देखूंगा मैं। सबसे पहले मैनेजमेंट चेक करती है, सबसे पहले मैनेजमेंट चेक करती है मैं कितना क्वांटिटी बेच सकता हूं। मैनेजमेंट एस्टिमेट्स हाउ मच आई कैन सेल, हाउ मच आई कैन सेल। सबसे पहले दिमाग लगाया जाता है भैया कितना सामान मैं बेच सकता हूं। मान लो मैंने बोला कि भैया मैं इस साल 1 लाख सामान तक बेच सकता हूं, मेरी इतनी कैपेसिटी है, इतनी डिमांड आ जाएगी, मैं इतना सामान बेच सकता हूं आराम से, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब मैं देखूंगा, अब मेरा काम क्या है? अब मेरा काम है इफ आई कैन सेल 1 लाख, अगर मैं इस साल में 1 लाख बेच सकता हूं तो 1 लाख मेरे पास होना भी तो चाहिए, तो 1 लाख मेरे पास होना भी तो चाहिए, है कि नहीं? अगर मुझे 1 लाख यूनिट्स बेचनी है, अगर मान लो आपको 1 लाख यूनिट्स बेचनी है तो आपके पास 1 लाख यूनिट्स होनी भी तो चाहिए, है कि नहीं? तो अब मैं क्या करूंगा, मैं 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करने का ट्राई करूंगा। मैं 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करने का ट्राई करूंगा। क्या करूंगा? आई विल प्रोड्यूस 1 लाख यूनिट्स। पर पता है गाइस, जरूरी नहीं है मैं 1 लाख बनाऊं। क्यों? हो सकता है मेरे पास पहले से ही बन के तैयार हो 10,000 प्रोडक्ट, हो सकता है कंपनी का मोटो हो कि भैया हमेशा क्लोजिंग स्टॉक में 20,000 रखना ही रखना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? भैया 10,000 पहले से ही बन के रखा हुआ था, 20,000 मुझे रखना है, 1 लाख बेचना भी है, तो भैया मैं क्या करूंगा, मैं वापस से 1,10,000 सामान बनाऊंगा ताकि 1 लाख बेच दूं, 20,000 पड़ा रहे। बताओ। तो पहले क्या करूंगा? पहले मैं सोचूंगा भैया कितना बेच सकता हूं, फिर उसके हिसाब से बनाना पड़ेगा, और उसके हिसाब से मेरे को रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। मान लो अपने को 1 यूनिट बनाने के लिए चाहिए 2 किलो रॉ मटेरियल, हम बना कितनी रहे हैं? 1,10,000। मुझे चाहिएगा कितना? 1,10,000 इंटू 2 किलो, 2,20,000 किलो। अब सुनो, हो सकता है बाबा, हो सकता है यहां पे
पहले से ही मेरे पास कुछ ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का पड़ा हो, है कि नहीं? हो सकता है कि नहीं हो सकता? एकदम हो सकता है ना, हो सकता है मेरे पास रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक पहले से ही पड़ा हो। मान लो मेरे पास 20,000 किलो पड़ा हुआ है और कंपनी का गोल है कि क्लोजिंग स्टॉक हमेशा 50,000 रॉ मटेरियल का किलो रहना ही रहना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? भैया 20,000 तो पड़ा है, 2,20,000 मुझे बनाना है, 50,000 और मेंटेन रखना है, तो मैं क्या करूंगा? 2,50,000, 2,50,000 खरीद के लेके आऊंगा। बताओ, यही है मेरा पूरा का पूरा बजट। बताओ कोई दिक्कत किसी को? बताओ कोई दिक्कत? सबसे पहले मैं क्या डिसाइड करूंगा, मुझे कितना बेचना है, फर्स्ट स्टेप, कितना बेचना है, हो गया? हो गया। सेकंड स्टेप, उसके बाद कितना बनाना है, उसके बाद लास्ट, उसके लिए कितना रॉ मटेरियल खरीदना है। काम खत्म। पहले बेचो, फिर बनाओ, फिर उसके बाद खरीदो। बताओ, क्लियर? क्लियर क्या? डन 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 डन। अब सुन लो भैया, अपने पास दो लाइन के अंदर खत्म करूंगा मैं इसको। सेल्स विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, सेल्स अपने को क्वेश्चन के अंदर ही गिवन होगी कि भैया कितना सामान तुम बेचना चाहते हो। प्रोडक्शन, मुझे कितना प्रोड्यूस करना है, बताओ बताओ। तुम्हारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है, ठीक है ठीक है ठीक है। एक्चुअल लाइन होती है कि भैया मेरा सेल्स का फॉर्मूला होता है, तुम्हारे पास कितना ओपनिंग स्टॉक था, तुमने कितना बना दिया प्लस प्रोडक्शन, और माइनस तुम्हारे पास कितना क्लोजिंग स्टॉक बच गया, उतना तुम बेच देते हो। तो भैया इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, आपको कितना प्रोड्यूस करना है वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे ओपनिंग स्टॉक, सॉरी सेल्स, हां, प्लस क्लोजिंग स्टॉक, हां, माइनस ओपनिंग स्टॉक। चलो आप अपना प्रोडक्शन कितना करना है आप ऐसे करके निकाल लोगे। बताओ कोई दिक्कत क्या किसी को? कोई दिक्कत? पहला, इसको तो भाव ही नहीं देना, इसको तो भाव ही नहीं देना। पहला पॉइंट हम ये ध्यान में रखेंगे, दूसरा पॉइंट हम ये ध्यान में रखेंगे, और आपको रॉ मटेरियल कितना खरीदना है, रॉ मटेरियल कितना खरीदना है। बताओ, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला होता है क्या? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आपको रॉ मटेरियल कितना परचेज करना है, कितना परचेज करना है, ये कैसे निकलेगा? रॉ मटेरियल कितना मुझे कंज्यूम करना है प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, बस काम अपना खत्म। इस तीन लाइन के अंदर मेरा पूरा चैप्टर खत्म। बताओ किसी को कोई पंगा हुआ तो यहां तक? बताओ, मेरा पूरा चैप्टर मैंने खत्म कर दिया, मैंने मेरा पूरा चैप्टर खत्म कर दिया। बताओ बताओ बाबा बताओ, मैंने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया। आप लोगों की छुट्टी, पूरा चैप्टर खत्म, अब मुझे बस क्वेश्चन करवाने। बता दो, आप लोगों की छुट्टी, मुझे बस क्वेश्चन करवा के देना है। सिर्फ तीन लाइन के अंदर मैंने पूरा बजट वाला चैप्टर खत्म कर दिया आपका। बताओ कोई दिक्कत? अब देखना गाइस, इसके बाद ना कुछ कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको पढ़ा दी, कितनी टाइप की कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल, फिक्स्ड कॉस्ट अपन ने पढ़ लिया था। बजट्स कैसे बनते हैं, पहले सेल बजट बनता है, फिर प्रोडक्शन बजट, फिर परचेज बजट।
ठीक है, उसके बाद उसके बाद उसके बाद ध्यान से देखना कितने तरह के क्वेश्चन आते हैं। या तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मुझे कितना प्रोडक्शन करना है, मुझे कितना प्रोडक्शन करना है, ठीक है। कंजम्पशन बोल देगा कि भैया मेरे को इतना प्रोड्यूस करके चलना है, तो मैं परचेजेस निकाल दूंगा। और अगर क्वेश्चन बोलेगा कि मुझे इतना क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करना है, तो मैं प्रोडक्शन निकाल के दिखा दूंगा, बात खत्म। क्या अमित भाई पल्ले ना पड़ा? अरे बहुत आसान है, समझा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब सुनना, अब सुनना, अब सुनना, बजट का मतलब क्या है? अगर मैं कभी भी अपने प्लान्स को क्वांटिफाई कर दूं, उसको बोलेंगे बजट। बजट बनता कैसे है? सबसे पहले बजट बनेगा, फिर उसके बाद बजट को अप्लाई करके देखा जाएगा भैया उसमें और एक्चुअल में क्या फर्क है, और फिर उसके बाद रीजन ढूंढने जाएगा भैया दिक्कत क्या है। मैंने सोचा था मुझे मुझे 80 मार्क्स लेके आने हैं, मुझे आए 50 मार्क्स, अब मैं देखूंगा मुझे 30 नंबर लेस क्यों आए हैं। बस यही होता है पूरा का पूरा काम। लास्ट पॉइंट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट। बजट बहुत तरह के हो सकते हैं, कौन कौन से? सबसे पहला फ्लेक्सिबल बजट। अरे फ्लेक्सिबल बजट वही बजट है क्या? बोलेगा अमित भाई इसमें सारी कॉस्ट मेरी वेरिएबल हो जाएगी, थोड़ी सी फिक्स रहेगी। तो भैया वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जो पर यूनिट सेम रहती है और जैसे जैसे यूनिट बताता हूं वैसे वैसे बढ़ती है। तो बोलेगा भैया आप जल्दी से बताओ, अगर मैं 75,000 यूनिट बनाऊंगा तो मेरा बजट कितना होगा, अगर मैं 10,000 यूनिट बनाऊंगा तो मेरा बजट कितना होगा, ये अपने को निकाल के चलना है, बताओ किसी को कोई दिक्कत क्या। और फिक्स बजट वो होगा जो कभी भी चेंज नहीं होगा, एकदम सेम रहेगा। डन डन। उसके बाद भैया आप बजट बना सकते हो सेल के लिए, परचेज के लिए, मटेरियल के लिए, लेबर के लिए, फैक्ट्री के लिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए, खर्चों के लिए, किसी भी चीज के लिए बजट बना सकते हो। ओके हाँ, वो मैं कॉपी चेक करके बता दूंगा। डन। उसके बाद पीरियड वाइज आप चाहो तो लॉन्ग टर्म बजट बना सकते हो, 1 साल का 5 साल का 10 साल का। शॉर्ट टर्म बजट बना सकते हो, 6 महीने का 9 महीने का। करंट बजट बना सकते हो कि मुझे आज के डेट पे क्या चाहिए, कितना चाहिए, बस इतना ही काम है। बताओ ये पूरा चैप्टर इतने पे ही बेस्ड है, बताओ कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। चलो आ जाओ, मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहता हूं, आ जाओ मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहता हूं। बताओ मुझे परमिशन दोगे क्वेश्चन स्टार्ट करने की? हाँ अमित भाई देंगे ना परमिशन? अरे लगता है अपन ने एक मिस्टेक कर दी यहां पे, मैंने पीडीएफ को स्प्लिट करके नहीं रखा। मुझे पीडीएफ स्प्लिट करनी पड़ेगी, अब बताओ। ये है मेरा 205 पेज नंबर से, 205 से लेके 254। चलो इट्स ओके सर, कर लो आराम से। अरे 2 सेकंड में हो जाएगा, बात 2 सेकंड में। लो 2 सेकंड का नाम लेते इसका दिमाग का दही हो गया। हो जा भैया हो जा, हम रुके हैं। सर आपको परमिशन की जरूरत नहीं। यस भैया बिल्कुल परमिशन है, थैंक यू बडीज। अच्छा गर्मी खाली इंदौर में हुई है या आप लोगों के शहर में भी गर्मियां बढ़ गई हैं? गर्मी सिर्फ इंदौर में हुई है या आप लोगों के शहर में भी गर्मियां बढ़ गई हैं? बताओ गर्मियां सिर्फ इंदौर में हुई है या आपके शहर में भी बढ़ गई हैं? नजर लग गई ना? ना हो गया हो गया हो गया। चलो डन, बहुत अच्छे, आ जाओ गाइस। ये वैसे भी ज्यादा लंबा चैप्टर है नहीं, टिकेगा भी नहीं, बहुत ज्यादा इजी है, अपन फटाफट इसको खत्म कर लेंगे। आ जाओ,
गाइस अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर मुझे देख लेने दो, मुझे देख लेने दो, कौन सा क्वेश्चन नंबर है आज, पता नहीं किस भाई की नजर लग गई अपन को। चलो गाइस क्वेश्चन नंबर टू के साथ स्टार्ट करो, क्वेश्चन नंबर टू के साथ स्टार्ट करो, आ जाओ क्वेश्चन नंबर टू के साथ स्टार्ट करो। ये चैप्टर बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ दो फॉर्मूले याद रखने, कौन से, परचेज वाले याद है ना, एक तो परचेज वाला एक प्रोडक्शन वाला, क्या था, जितना अपन सेल करेंगे प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, और अपन को आरएम कितना परचेज करना है, कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, डन डन आ जाओ। चलो मैं सबसे पहला क्वेश्चन नंबर टू स्टार्ट करना चाहता हूं, आप लोग परमिशन दोगे क्या? हाँ अमित भाई परमिशन है, फुल्ली परमिशन है। चलो क्वेश्चन नंबर टू बोलता, भाई देखो मैं जनवरी में सोच रहा हूं 5,000 बेचूंगा, फरवरी में 6,000 बेचूंगा, मार्च में 7,000 बेचूंगा, अप्रैल में 7,500, मई में 8,000 बेचने की मेरी प्लानिंग है। परसों से बढ़ गई है, इस बार ऐसा लग ही नहीं रहा है, ठंडी पड़ी। आयुष यार मेरे इधर बहुत ठंडी है अभी तक, यहां तो एक वीक मैक्स, उसमें भी मैं बाहर थी। चलो डन आ जाओ गाइस, अब देखते हैं। बोलता है भाई एक गैजेट को बनाने के लिए 1500 रुपए लगते हैं, ठीक है, इट इज सोल्ड थ्रू डीलर एट अ यूनिफॉर्म प्राइस ऑफ 2000 में मैं बेच देता हूं, डीलर्स आर गिवन अ अपार्ट फ्रॉम अदर मटेरियल दो बैटरियां भी लगती हैं, ठीक है, और द कंपनी वॉन्ट्स टू होल्ड स्टॉक ऑफ बैटरीज एट द एंड ऑफ ईच मंथ ऑफ नेक्स्ट मंथ प्रोडक्शन एंड टू होल्ड स्टॉक ऑफ 25% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल। आई 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 फिर से पढ़ो। बोलता है सर एक गैजेट को बनाने के लिए दो बैटरियां चाहिए, एक गैजेट को बनाने के लिए दो बैटरियों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कंपनी वॉन्ट्स टू होल्ड स्टॉक ऑफ बैटरीज एट द एंड ऑफ ईच मंथ टू कवर 30% ऑफ द नेक्स्ट मंथ का प्रोडक्शन, अगली बार जितना बनाऊंगे उसका 30%, एंड होल्ड स्टॉक ऑफ गैजेट्स टू कवर 25% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल। बाबा बोल रहा है सुनना, मैंने आपको क्या बोला था, कंपनी की आदत है, क्या आदत है, जो मैं स्टॉक बेचता हूं ना अपना, हाँ अगले महीने का जो सेल है उसका 25% मैं इस साल क्लोजिंग स्टॉक में रखूंगा इस महीने, ठीक है, यह है फिनिश्ड गुड्स की बात। और अगर मैं बैटरी की बात करूं तो अगले महीने की जितनी मेरी यूज है उसका मैं 30% इस महीने क्लोजिंग स्टॉक पे रखता हूं, कोई दिक्कत? सर वीडियो अटक गई, हेलो हाँ जी भैया भेजा था चेक कर लो यार, अब बहुत बेकार नेट चल रहा है। बस सर की आवाज आ रही है, गाइज मैंने अभी बात करी है, मैंने अभी बात करी है, मैंने अभी टीम से बात करी है,
अब ठीक है क्या गाइस? अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, बीच बीच में बहुत लैग हो रहा है। नहीं नहीं नॉट कल, नॉट कल, नॉट कल, चलो बच्चे बोल रहे हैं नॉट कल, नॉट कल, नॉट कल, नॉट कल, आज ही करना है बजट। डोंट वरी, बजट अपन आज ही खत्म करेंगे, मैं देखता हूं। अब अगर लैग नहीं किया तो अब मैं यही स्टार्ट करूंगा। वीडियो का बाइट्रेट कम कर दो एंड स्टार्टअप एप्स बंद कर दो, ठीक हो जाएगा। अच्छा ऐसा क्या भैया, ऐप तो कोई भी नहीं चल रहा इस पे, ऐप तो इस पे कोई भी नहीं चल रहा, अभी करवा दो भाई, छोटा चैप्टर है। हाँ आज ही करवाएंगे, आज ही करवाएंगे, आज ही करवाएंगे। कल कर लो, बीच में फिर रुक जाएगा सर, आपको जैसा भी ठीक लगे। रुक जाओ मैं वेट करता हूं, अपन 2 मिनट वेट करते हैं, अगर चला तो चला, नहीं चला तो फिर देखा जाएगा। 2 मिनट वेट करते हैं। गाइज एक्चुअली आई थिंक ना यूट्यूब में इशू है, यूट्यूब के साइड से इशू आ रहा है, यूट्यूब के साइड से इशू आ रहा है, अपने साइड से कोई इशू नहीं है, यूट्यूब के साइड से इशू है। अच्छा टास्क मैनेजर में जाके क्लियर करूं क्या? चलो लेट मी चेक। अभी देखते हैं अपना सबसे ज्यादा पावर कौन कंज्यूम कर रहा है। सर कल एक बार दिन में पढ़ा दीजिए और एक बार रात को। नाउ क्लियर, क्या क्लियर, लैग ही है। कल कर लो, समझो थोड़ा, सर लैग हो रहा है अभी भी, तो काम भी हो जाएगा एंड ऑन टाइम क्लासेस भी कंप्लीट हो जाएंगे जाएगा। ओके गाइस एक काम करता हूं, एक काम करता हूं, सुनो 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 सुनो, ये छोटा चैप्टर है, ये छोटा चैप्टर है, ये छोटा चैप्टर है, कल अपन सर्विस पिक करते हैं, कल अपन सर्विस पिक करते हैं, कल अपन सर्विस पिक करते हैं 28th को, और 29th को, 29th को एक काम करेंगे अपन, सेशन लंबा अगर कर पाए, सेशन लंबा करके बजेटरी और जॉब एंड बैच एक साथ खत्म कर देंगे, बजेटरी एंड जॉब एंड बैच एक साथ खत्म कर देंगे। बताओ कोई दिक्कत है क्या, बताओ बताओ। कल अपन सर्विस कॉस्टिंग कर लेंगे, कल अपन सर्विस कॉस्टिंग कर लेंगे, 28th को सेशन लंबा करके, थोड़ा सा लंबा करके बजेटरी जॉब एंड बैच एक साथ खत्म कर देंगे। ये YouTube के साइड से बहुत इशू आ रहा है एंड पीयूष तुम्हारा भी 2 बजे तक एग्जाम है, कल यही कर दो सर्विस परसों। कल अपन सर्विस करेंगे गाइस, गाइस गाइस कल अपन बड़ा वाला चैप्टर करेंगे, कल अपन सर्विस कॉस्टिंग करेंगे, कल अपन सर्विस कॉस्टिंग करेंगे, कल सर्विस कॉस्टिंग करेंगे, सर आपको जैसा भी सही लगे, कल सर्विस कॉस्टिंग करेंगे। कल अपन सर्विस कॉस्टिंग कर लेंगे, डन डन गाइस। सॉरी यार ये मेरे साइड से नहीं, मैंने नेटवर्क वाले से भी बात करी, उनके साइड से भी नहीं, ये यूट्यूब के साइड से पंगा चल रहा है, यूट्यूब के साइड से हैंग हो रहा है, हमारे साइड से कोई इश्यू नहीं है, अपन ने ट्राई करके देखा है।
ओके चलो 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 डन क्या गाइस डन। चलो बवाई तो बोल दो, डन 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 डन। सर चाहे तो एक ऑप्शन है, कल 5 से 7 और फिर 8 से 10। श्वेता मैं चेक कर लूंगा अगर हो पाया तो। डन चलो ओके गाइस बाय बाय आज के लिए। सॉरी यार अपने साइड से कोई इशू नहीं है, मैंने नेटवर्क वाले से भी बात करी, ये यूट्यूब के साइड से पंगा आ रहा है, यूट्यूब के साइड से पंगा आ रहा है, अपने साइड से कोई इशू नहीं चल रहा। डन क्या? डन 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 डन। चलो सॉरी गाइस, सॉरी आज के लिए, बहुत ज्यादा सॉरी। अपन मन बना के आए थे, आज अपनी पढ़ाई नहीं हो पाई, बट डोंट वरी मैं कंप्लीट करवा दूंगा। डन बाय बाय। चलो बाय बाय गाइस, बाय 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 बाय, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट।